स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 1 मई से 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए होने वाले टीकाकरण पर सियासत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई से 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन वैक्सीन के वितरण में राजनीति कर रही है। एक तरफ जहां 2020-21 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, तो क्या कारण है कि अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार पैसा मांग रही है? 35,000 करोड़ रुपया इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए एलोकेट किया कि हम वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि बजट में हम रखते हैं। और आज जब वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो तीन तरह से वैक्सीनेशन वैक्सीन को तीन तरीके से उसकी टैरिफ सुनिश्चित की गई। पाकिस्तान को 1,000 गाली देते हैं, लेकिन 45 लाख डोज आपने पाकिस्तान को दे दिया, आपने भूटान को 25 लाख डोज दे दिया, आपने देश का गरीबों का राजस्व का लाखों करोड़ रुपया दे दिया, लेकिन गरीब इस ट्राइबल स्टेट हमारा बैकवर्ड स्टेट पिछड़ा स्टेट के लोगों को आप वैक्सीनेशन देने के लिए रेमडेसिविर देने के लिए हमारा जो है और दवाइयां देने के लिए और संसाधन देने के लिए आपके पास नहीं है। कहां गया है 20 लाख करोड़ रुपया? अभी आप जानते हैं 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भी भेजा गया है। आप बताइए कि 8 करोड़ 40 या 50 लाख के आसपास भेजा गया है। आप बताइए कि क्या ये हम लोगों की गाल पे तमाचा नहीं है? क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? अभी आज से 2 दिन पहले जो है 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भेजा गया है। आप बताइए इस तरह की क्या ये संघीय सरकार ऐसी चलती है? न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।